हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के लिए मैं डिस्कस थ्रू लेके आई हूँ, तो वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देखना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वीडियो को शुरू करने के पहले आप लोग को एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग देखने के बाद वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों को डिस्कस थ्रू के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम हम लोग एक सर्कल बनाना चाहिए। सर्कल का डिस्टेंस पहले कितना लेना पड़ेगा, 1.25 मीटर का एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। उसके बाद उसी का पिक पॉइंट से एक सर्कल राउंड करना है। उसके बाद दोनों तरफ से मिडिल पिक पॉइंट से दोनों साइड से 4 मीटर 4 मीटर डिस्टेंस लेना है। उसके बाद वन साइड में 3 4 5 8 3 4 5 लेने के बाद हम लोग को त्रिभुज की तरह एक बॉर्डर हो जाएगा। उसके बाद सेम दूसरी तरफ भी सेम है, तो उसको 3 4 5 अप्लाई करने से क्या स्ट्रेट लाइन निकलता है। स्ट्रेट लाइन लेने के लिए हम लोग को 3 4 5 अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद हम लोगों को स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा मिडिल पिक पॉइंट से, कितना 38.158 मीटर का। उसके बाद उसको स्ट्रेट खींचना है। उसके बाद दोनों साइड से दो लाइन खींचना है 12 मीटर 12 मीटर का। उसके बाद हम लोग को टोटल हो जाएगा 34.92 सेक्टर। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके बाद उसी लाइन को थोड़ा सा हम लोग मार्क करना पड़ेगा पिक पॉइंट से, नहीं बॉर्डर वो जो सर्कल का लाइन है इधर से यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर 40 मीटर दोनों खींचना पड़ेगा दोनों साइड लाइन। और उसके बाद उसका जो मिडिल पार्ट रहेगा 90 डिग्री रहेगा एंगल। उसके बाद दोनों तरफ से हम लोगों का 75 सेंटीमीटर एक डिस्क वाली लाइन रहेगा। उसका आगे से निकलने से आप लोग डिसक्वालीफाई हो जाओगे, तो इसलिए पीछे से निकलना है। 75 सेंटीमीटर का दोनों तरफ से डिसक्वालीफाई लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को आगे पॉइंट कितना मीटर, 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर या 30 मीटर और भी अब आप लोग ले सकते हो जितना मर्जी। तो आज के लिए इतना ही है, तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए मेरे वीडियो को, और वीडियो को देखने के बाद शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर।